हाय फ्रेंड्स, इस डोरबेल के लिए मैंने यूज़ किया एक स्पीकर, एक UM66 IC, दो BC548 ट्रांजिस्टर, एक 100K रजिस्टर और एक 470 MFD कैपेसिटर। इस सिंपल सर्किट में Q1 ऑडियो एम्पलीफायर है और Q2 है पावर स्विचिंग ट्रांजिस्टर। यहाँ पे कैपेसिटर और उसके साथ लगे हुए पैरेलल एक 100K रजिस्टर टाइम डिले का काम कर रहा है और UM66 मेलोडी जनरेटर है। अब एक ब्रेडबोर्ड में मैंने UM66 को लगाया। इसका एक नंबर पिन ग्राउंड है, दूसरा सप्लाई पिन और तीसरा आउटपुट पिन है। ग्राउंड पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब Q1 को कनेक्ट कर दिया उसका एमिटर ग्राउंड के साथ और उसका बेस UM66 का आउटपुट के साथ। इसके बाद स्पीकर का एक पॉइंट कनेक्ट किया कलेक्टर के साथ और दूसरा पिन कनेक्ट किया पॉजिटिव सप्लाई के साथ। अब एक पुश बटन डाल दिया पॉजिटिव के साथ और एक IC के पॉजिटिव सप्लाई पिन के साथ। बेसिक म्यूजिक का सर्किट अभी रेडी हो गया। अभी उसको टेस्ट कर लेते हैं। ये सिंपल म्यूजिक का सर्किट रेडी हो गया, लेकिन ये डोरबेल नहीं है। तो इसे डोरबेल बनाने के लिए पहले इस पुश बटन को यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद एक ट्रांजिस्टर ऐड करेंगे। यहाँ पे एक BC548 ऐड कर दिया है यहाँ पे, जिसका कलेक्टर बेस एमिटर ऐसे है और ये Q2 है जो पावर स्विचिंग का काम करेगा। अभी ट्रांजिस्टर का एमिटर से IC का वोल्टेज पिन में एक कनेक्शन। अभी टाइम डिले के लिए एक कैपेसिटर जो कि 470 माइक्रोफेराड का है, उसका एक नेगेटिव माइनस वोल्टेज के साथ और दूसरा पॉजिटिव ट्रांजिस्टर का बेस के साथ। ये कनेक्शन है पॉजिटिव सप्लाई से ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में। यहाँ पे ये 100K रजिस्टर ट्रांजिस्टर का बेस से ग्राउंड में, यानी कि ये कैपेसिटर का पैरेलल में है। फिर से इस पुश बटन को कनेक्ट कर दिया ट्रांजिस्टर के बेस और पॉजिटिव सप्लाई के साथ। थ्री वोल्ट का पावर सोर्स ऐड करके अब इस डोरबेल सर्किट को हम लोग टेस्ट करेंगे। अब ये एज ए डोरबेल काम कर रहा है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।